Also has an Alexa voice assistance, Sony 3D sound double, and we are very thankful that he gave it. बातों से 7W में क्या कुछ नई खासियत अभी सब महिंद्रा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली जो शुरुआत है वो लोगों से है। हम हमेशा से टफ थे, अब हम प्रीमियमनेस की तरफ मूव कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी शुरुआत है। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये लाइट्स में देखिए, ऑटो बूस्टर हेडलैम्प्स आ गई हैं इसके अंदर। एंड इसके बाद अगर आप देखेंगे 18 इंच अलॉय व्हील्स हैं इसके अंदर, डायमंड कट अलॉयज हैं। अगर आप देखेंगे इसके अंदर, दीज आर स्मार्ट डोर हैंडल्स, ये फर्स्ट इन सेगमेंट हैं ये। एंड अगर हम अंदर की बात करें, अंदर 10.25 डुअल टच स्क्रीन है। आप थोड़ा अंदर ही बैठिए, ये अपने सेगमेंट में शायद सबसे बड़ा है। यस, और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है स्काई रूफ, जो कि अपने सेगमेंट में बहुत बड़ी है। दिस इज फर्स्ट इन सेगमेंट जितनी बड़ी स्काई रूफ अगर आई होगी जी। और अगर हम बात करें इसके अंदर 7 एयर बैग्स हैं, जो कि लास्ट रो तक जाते हैं। जो कर्टन एयर बैग है वो लास्ट रो तक जाता है, जो कि फर्स्ट टाइम इस सेगमेंट में आया है। और सिस्टम में क्या कुछ रहेगा, साउंड की बात करें? 3D सोनी 3D साउंड सराउंडिंग सिस्टम है इसके अंदर, जो कि आपका ड्राइव है वो बहुत ही बढ़िया बना देगा जी। कस्टमर्स के लिए इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक शुरू होती है अगर हम बात? देखिए, ये शुरुआत होगी 11.99 से, और बुकिंग्स जो हैं वो 7 नवंबर से स्टार्ट होंगी, सुबह 10 बजे से, सॉरी 7 अक्टूबर से सुबह 10 बजे से। और ये दो वेरिएंट्स में आती है, MX और AX सीरीज है इसके अंदर। और इसके अलावा पेट्रोल डीजल दोनों में अवेलेबल है, AT MT दोनों आते हैं। पेट्रोल इंजन की अगर मैं बात करूं तो 2.0 इंजन है और डीजल 2.2 है जी। और अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो 0 to 60 जो है वो सिर्फ 5 सेकंड्स में जाती है जी। जी सर, XUV 700 बड़ी देर से इंतज़ार हो रहा था, आपने लॉन्च किया, आपने देखी कैसी लगी गाड़ी? देखिए शोल, महिंद्रा ने आज XUV 700 लॉन्च किया जम्मू में, और बहुत प्यारी गाड़ी है। जैसे कि आपने खुद देखा आपके सामने कलर इसका, इसके अंदर की ग्रे स्पेस, मैंने खुद भी इसको ड्राइविंग सीट पे बैठ के इसके फीचर्स कुछ देर के लिए एंजॉय किए। आई लव दिस व्हीकल एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू रॉक द रोड्स। महिंद्रा के व्हीकल्स हमेशा ही बहुत पसंदीदा होते हैं, और 500 इसकी XUV सीरीज तो 300 हो, 500 हो, और अभी 700 भी जुड़ी है साथ में। एक्सपेक्टेशन आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के टर्म के हिसाब से काफ़ी बेहतर रहेगी? काफ़ी सॉलिड व्हीकल्स रहती हैं ये, और सर्विसेज तो इनकी अच्छी रहती है, वो सबको मालूम है। मैं खुद भी महिंद्रा सब्सक्राइबर हूँ, तो इसीलिए जब मुझे इनवाइट किया गया इसके लॉन्च के लिए, आई फेल्ट इट एज ए प्रिविलेज, क्योंकि मैंने खुद ड्राइव की है और इस गाड़ी की जो फीचर्स हैं उनको मैंने खुद भी एंजॉय किया हुआ है। आई नो हाउ रोबस्ट दिस व्हीकल इज टेक्नोलॉजी वाइज, ये सबको बीट करती है। और जम्मू कश्मीर के टेरेंट, जैसे आपने कहा, काफ़ी टफ टेरेंट्स हैं, बड़े टेस्टिंग सा क्लाइमेट रहता है हमारा। रोड कंडीशंस आपको पता है, अभी जब तक पूरे रोड्स नहीं बन जाएंगे तब तक बड़े टेस्टिंग रोड्स हैं हमारी। महिंद्रा इज डूइंग वेरी वेल, आई एम श्योर XUV 700 विल डू मच बेटर देन रेस्ट ऑफ व्हीकल्स।